अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर टुडे मैथ सेक्शन। और टुडे टॉपिक इज एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम को हम किस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सवाल ये आता है, व्हाट इज एलसीएम। आइए इसकी डेफिनेशन क्या है वो जानते हैं। एलसीएम इज अ स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर, यानी वो सबसे कॉमन छोटा नंबर जो कि दो या दो से ज्यादा नंबर का मल्टीपल हो। अब हमारे पास कुछ यहाँ नंबर्स हैं, हम उनके बारी बारी फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले 12, हमें मालूम है कि 12 2, 3 और 4 के टेबल में आता है, मगर हम हमेशा शुरुआत छोटे नंबर से करेंगे जो कि 2 है। अब के टेबल में 6 टाइम्स पर 12 आता है, तो हम 6 को नीचे लिखेंगे और फिर 6 को डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर से जो कि फिर 2 है। इस तरह हमारे पास 3 आता है और 3 सिर्फ अपने टेबल में आता है, लिहाजा हम 3 1 3 लिखेंगे। और ऐसे नंबर्स जो खुद अपने और 1 के टेबल में आते हैं उसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब हम नंबर 68 लेंगे। 68 भी 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, या हम ये कहें 2 68 का मल्टीपल है, तो 68 को ब्रेक करेंगे तो देखा कि 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो 34 आ गया हमारे पास। अब इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 1 जा 2, बचा हुआ 1 हम 4 को कैरी दे देंगे तो 14 हो जाएगा और यहाँ हमारे पास 17 आएगा। और 17 एक प्राइम नंबर है, लिहाजा 17 खुद के टेबल से डिवाइड होगा, हमें 17 वन जा 17 देगा। अब हमारे पास नंबर है 72। 72 इस तरीके से हम 72 को 2 के डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा, और 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, और 18 हमारे पास 2 9 जा 18 से आएगा। अब 9 जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करने से आएगा, और 3 जो के प्राइम नंबर है 3 1 जा 3 आ जाएगा। अब 12 68 72 के फैक्टर्स उनके साथ लिख देंगे, जैसे कि 12 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 68 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 17, 72 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम इनके कॉमन फैक्टर्स के पेयर बना लेंगे तो हमारे पास 2 पेयर्स बनेंगे, 2 का एक पेयर और एक 2 का पेयर, एक 3 का पेयर आएगा। अब हम उसे कॉमन फैक्टर्स कहते हैं, और जो बाकी फैक्टर हैं उसे हम नॉन कॉमन कहते हैं। अब कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12, और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 102। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 102, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारे पास आ जाएगा 1224। तो ये था आज का सेक्शन। कीप प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस। थैंक यू।